हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हमने कल स्टार्ट किया था एजुकेशनल साइकोलॉजी में अधिगम का सिद्धांत, और हमने केवल इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि आखिरकार लर्निंग थ्योरीज होती क्या है, अधिगम के सिद्धांत होते क्या हैं। तो चलिए हम वहीं से आज के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री कोर्स का लाभ ले सकें। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ यदि हम जो कुछ भी यहाँ YouTube में कवर कर रहे हैं, यदि आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो आप हमें इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, जो है 9584532690। इस नंबर पर आप संपर्क करके एवं आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके भी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपने सेशन में आ जाते हैं, जहाँ हम देखने जा रहे हैं अधिगम का सिद्धांत और वीकेंस इन लर्निंग थ्योरीज। यदि हम अधिगम के सिद्धांत की बात करें तो अधिगम के सिद्धांत को दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, और वो कौन कौन सी हैं, तो वो है व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत, जिसको हम बिहेवियरल एसोशनिस्ट थ्योरीज बोलते हैं, और दूसरा है ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत, जिसे हम कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी बोलते हैं। सबसे पहले यदि हम पहले सिद्धांत की बात करेंगे, व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत, बिहेवियरल एसोशनिस्ट थ्योरी, तो इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं इस सिद्धांत के, तो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं थॉर्नडाइक। कौन कौन माना जाता है प्रवर्तक, तो थॉर्नडाइक माने जाते हैं, थॉर्नडाइक हो गए। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें थॉर्नडाइक, वॉटसन, पावलोव, स्किनर, ये इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके प्रथम सिद्धांत, प्रथम सिद्धांत क्या है हमारा, व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत, बिहेवियरल एसोसिएशनिस्ट थ्योरी। याद रखेंगे आप लोग, इनके प्रवर्तकों का नाम थॉर्नडाइक है, पावलोव है, वॉटसन है और स्किनर है। फिर उसके बाद जो दूसरा सिद्धांत है, जो कि है हमारा ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत, ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत, जिसको हम कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी बोलते हैं, तो इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं वर्डिमियर, कोलर, लेविन। कौन कौन, वर्डिमियर, कोलर और लेविन इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ये जो दूसरा सिद्धांत है लर्निंग थ्योरी का, ये जो सेकेंड लर्निंग थ्योरी है, जिसको हम ज्ञानात्मक और क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत कहते हैं। बिल्कुल ये बात क्लियर है। तो यदि हम पहले सिद्धांत की बात करेंगे, पहला सिद्धांत हमारा क्या बोलता है, व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत पावलोव, स्किनर और वॉटसन ने जो इसके बारे में कहा है, तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने अनुबंधन या प्रतिबद्धता कही है इस सिद्धांत के अंतर्गत। ये देखो, ये सिद्धांत है बिहेवियरलिस्ट एसोशनिस्ट थ्योरी, बिहेवियरल एसोशनिस्ट थ्योरी। इसमें चार प्रवर्तक हैं इस सिद्धांत के, उन चार में एक अलग हो गए, तीन अलग हो गए, ठीक। एक जो है कौन है, तो थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने संयोजनवाद, कनेक्शनिज्म के बारे में कहा है, और जो तीन है, जो है पावलोव, वॉटसन और स्किनर, उन्होंने कंडीशनिंग के बारे में कहा है, यानी कि अनुबंधन या प्रतिबद्धता, अनुबंधन या प्रतिबद्धता के बारे में कहा है, और जो थॉर्नडाइक है, उन्होंने संयोजनवाद के बारे में कहा है। ये चीज़ इतना आराम से आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ याद करने की है, क्योंकि डायरेक्टली ये पूछा जाता है, ठीक। तो इनके अंतर्गत यदि हम संयोजनवाद की बात करेंगे, तो इस प्रथम सिद्धांत के अंतर्गत, प्रथम सिद्धांत के अंतर्गत ये माना गया है कि स्टिमुलस और रिएक्शन मतलब कि उद्दीपन और अनुक्रिया के साहचर्य से व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, उसी की व्याख्या इस सिद्धांत के अंतर्गत की गई है। उद्दीपन और साहचर्य मतलब समझते हैं, यानी कि हम मान करके चलते हैं कि हमें किसी ने किसी कार्य को करने के लिए उकसाया, अब उसके प्रति आपकी क्या अनुक्रियाएं हैं, स्टिमुलस उद्दीपन क्या है और उसके प्रति आपकी अनुक्रियाएं क्या है, इसको समझाते हुए इन्होंने पहली बात, जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हुए, सबसे पहले वो क्या करते हैं, पशुओं पर अपना
एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद फिर मानवों पर करते हैं। तो इन्होंने भी अलग 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 पशुओं पर किया है। किस पर किया है उसके बारे में हम पहले देखेंगे, बाद में फिर इसके बारे में पढ़ेंगे कि अच्छा दूसरे सिद्धांत में क्या है, क्योंकि यहाँ पे अभी कंफ्यूज नहीं होना है हमें। मैंने अगेन जो चीज़ आपको समझना है रिपीट करके एक बार देख लीजिए कि क्या बताया गया है। यहाँ पे मैंने आपको बहुत आराम से बता दिया, आई होप समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यदि हम थॉरडाइक का संबंधवाद देखें, संबंधवाद या फिर हम बोल सकते हैं संयोजनवाद, संबंधवाद या फिर हम संयोजनवाद देखेंगे थॉरडाइक का, तो उसमें क्या बताया गया है उसको पहले हम देखेंगे। साथ ही साथ थॉरडाइक के सिद्धांत को ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हम कोशिश करते हैं, हम गलतियां करते हैं और उससे हम सीखते हैं। एटलीस्ट हम कोशिश तो कर रहे हैं, हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं हम किसी चीज़ के लिए, तो क्या हम बोल सकेंगे क्या कि हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं? क्यों? क्योंकि हमने तो कभी कोशिश ही नहीं किया और हमने अपने आप को एक टैग दे दिया है, नहीं नहीं भाई हम तो बड़े परफेक्ट हैं। जब तक हम गलतियां करेंगे नहीं, तो गलतियां करना ही इस बात का क्या है, प्रत्यक्षीकरण है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रमाण है। गलतियां करना ही प्रमाण होता है कि हम कोई प्रयास कर रहे हैं। गलतियां करना ही क्या है कि हम प्रयास कर रहे हैं। तो थॉर्नडाइक का क्या कहना है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि हम प्रयास करेंगे, गलतियां करेंगे और फिर उससे सीख जाएंगे। ठीक, बिल्कुल ये चीज समझ में आ गई। और इनके इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है, इसी सिद्धांत को इनके संबंधवाद या संयोजनवाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक को प्रयोगात्मक पशु मनोविज्ञान एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के क्षेत्र में एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक माना जाता है। प्रयोगात्मक पशु मनोविज्ञान यानी कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की फील्ड में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी मतलब कि एक्सपेरिमेंट करते हैं। साइकोलॉजी को पढ़ने का मैंने आपको बहुत सारी विधियाँ बताई है ना, उसमें यानी कि हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो चीज़ सीखते हैं, तो उसमें ये थॉर्नडाइक एकदम क्या है, फर्स्ट नंबर पे आते, अव्वल हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट कर करके ही आगे बढ़े हैं ये। क्लियर है? फिर उन्होंने सीखने के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि पीएचडी जब थीसिस कर रहे थे तो उन्होंने ये एक थीसिस क्या नाम से पब्लिश करवाया था, तो एनिमल इंटेलिजेंस था इनका ये पीएचडी जो थीसिस था इनका, शोध पीएचडी शोध प्रबंधन, जिसका नाम क्या था, एनिमल इंटेलिजेंस के नाम से इन्होंने पब्लिश करवाया था। साथ ही साथ टॉलमैन ने थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका यह सिद्धांत इतना पूर्ण तथा वैज्ञानिक था कि उस समय के अन्य सभी मनोवैज्ञानिक ने थॉर्नडाइक को अपना प्रारंभ बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट माना। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक चीज दे दिया। अब क्या है कि अच्छा अब हम यहाँ से सीखेंगे, हम अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन्होंने एक आइडिया दे दिया कि ये चीज होता है। अब बाकी जितने भी लोग बाद के मनोवैज्ञानिक आए, तो उन्होंने अपना यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट माना कि इन्होंने ये तो दे दिया, अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये ऐसा किसने बोला? टॉलमैन ने इनके बारे में ऐसा कहा था। ठीक, बिल्कुल ये चीज समझ में आ गई। ये केवल जनरल सा इंट्रोडक्शन है इनके बारे में, अदरवाइज ही कुछ भी नहीं है। आपसे बस यहाँ से पूछा क्या जा सकता है कि प्रयोगात्मक पशु मनोविज्ञान के क्षेत्र में हम किसे जानते हैं, तो थॉर्नडाइक को जानते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। एनिमल इंटेलिजेंस यदि पूछ लिया गया तो ये भी याद रख लेना, एनिमल इंटेलिजेंस थीसिस किससे संबंधित है, तो थॉर्नडाइक से संबंधित है। कुछ ही चीज हमें याद रखना रहता है, बाकी बहुत ज्यादा बर्डन लेकर के हमें नहीं पढ़ना रहता है कुछ भी चीज। ठीक है, फिर क्या, थॉर्नडाइक ने सीखने की व्याख्या करते हुए कहा है, सीखना या अधिगम भी आप बोल सकते हो, तो थॉर्नडाइक ने सीखने की व्याख्या करते हुए कहा है कि जब कोई उद्दीपक मतलब स्टिमुलस व्यक्ति के सामने दिया जाता है, तो उसके प्रति वह अनुक्रिया रिस्पॉन्स करता है और अनुक्रिया सही होने से उसका संबंध उसी विशेष उद्दीपक के साथ हो जाता है। इस संबंध को सीखना कहा जाता है तथा इस तरह की विचारधारा को क्या कहा जाता है, संबंधवाद कनेक्शनिज्म की संज्ञा दी गई है। और थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था संबंधवाद के नाम से जाना जाता है।
यहाँ पे देखो समझो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स मतलब कि आपके सामने कुछ चीज रखा गया जो कि आपको क्या कर रहा है, उद्दीपक है। एक प्रकार का क्या है ये, उद्दीपक है। यदि हम मान करके चलते हमें बहुत तेज भूख लगी है, अब भूख लगी तो हमारे सामने भोजन रखा हुआ है, तो वो क्या है, वो भोजन हमारे लिए उद्दीपक है। क्यों? क्योंकि हमें तो भूख लगी ही है, हमें तो भूख लगी ही है, तो वो भोजन हमारे लिए क्या, उद्दीपक है। अब उस भोजन के लिए हमारी जो प्रतिक्रियाएं अनुक्रियाएं हैं यही थॉर्नडाइक ने बता दिया है। जो अनुक्रियाएं हैं, जो यानी कि अब हम उसके लिए जो अनुक्रिया करेंगे, यानी कि उद्दीपक के चलते जो हमारी अनुक्रियाएं हुई, यानी कि स्टिमुलस के चलते जो हमने रेस्पॉन्स दिया है, तो इनके बीच में जो संबंध बनेगा ना, इनके बीच में जो संबंध स्थापित होगा, जो कनेक्शन जो बनेगा, उसको ही कनेक्शनिज्म बोला गया है, उसको ही संबंधवाद कहा गया है। क्यों? क्योंकि हम इसके माध्यम से कुछ सीखेंगे, इसके माध्यम से जो हम सीखेंगे इस संबंध को ही, ये जो संबंध स्थापित हुआ है उसको ही हमने नहीं, थॉर्नडाइक ने क्या बोला है, लर्निंग कहा है। क्या कहा है? लर्निंग कहा है। ठीक, समझ में आया यहाँ से? क्या ये चीज इतनी क्लियर है, इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पे जो चीज लिखा है ना, बस यहाँ पे ये पैराग्राफ में वही चीज बताया गया और कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने ये बता दिया कि ये जो हम लर्न कर रहे हैं ना, यानी कि ये जो अधिगम का ये जो सिद्धांत निकल के आएगा ना, इसको ही हम ट्रायल एंड एरर बोलते हैं, यानी कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी बोलते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों इन्होंने इसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा है, आइए देख लेते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग किया, किस पर किया, पूछा जाता है एग्जाम पे कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किन किन किस किस पर किया था, तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया, कुत्ता, मछली, बंदर पर अधिकतर इनके प्रयोग रहे हैं। यहाँ पे हम एक बिल्ली का, कि बिल्ली पर इन्होंने क्या प्रयोग किया, पहले हम उसको समझते हैं। तो बिल्ली पर किया गया इनका प्रयोग ऐसा था कि एक बिल्ली भूखी थी। क्या थी बिल्ली? भूखी थी। इन्होंने क्या किया कि उसको एक बॉक्स में क्या किया, इस बॉक्स पर बिल्ली को बंद कर दिया। ठीक है, अब बिल्ली के सामने इन्होंने क्या रखा, बाहर में भोजन रख दिया। क्या कर दिया, यहाँ पे उन्होंने बिल्ली के सामने में भोजन रख दिया। अब वो बिल्ली के सामने वो ऐसा था कि एक पेडल लगा हुआ था, पेडल ऐसा लगा हुआ था, यानी बिल्ली यदि उसमें लात मारती, पैर मारती, तो उन्होंने क्या किया, ये बॉक्स रखा, बॉक्स को कुंडी लगा दी, बॉक्स में ये कुंडी लगा दी उन्होंने, और उसके बाद में ये इस तरीके से उन्होंने एक बॉक्स को सेट किया था कि यदि बिल्ली हाथ पैर मारती तो ये यहाँ पे ये जो पैडल था, ठीक है, वो तुरंत जैसे ही वो उसके पैर से दबता, ये कुंडी खुल जाती और जैसे ही ये कुंडी खुल जाती, सिटकिनी जिसको हम बोलते हैं, ये चिटकिनी जब खुल जाती तो वो बाहर आकर के खा लेती। उनका ऐसा प्रयोग था। जो मैंने बताया है वो यही चीज यहाँ पे लिखा है, आइए उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो बिल्ली को एक पहले बॉक्स में बंद कर दिया इन्होंने, और बॉक्स के अंदर एक सिटकिनी, आप सिटकिनी बोले, चिटकिनी बोले, जो बोलना है वो बोल दीजिए, चिटकिनी यदि हम बोले, यानी कि नॉब था, ठीक है, और जिसको दबाकर गिरा देने से दरवाजा खुल जाता, और दरवाजे के बाहर भोजन रख दिया गया था, इन्होंने रख दिया। चूंकि बिल्ली भूखी थी अतः उसने दरवाजा खोलकर भोजन खाने की पूरी कोशिश करना प्रारंभ कर दिया, और प्रारंभ के प्रयास, प्रारंभ किया ना, उसको थोड़ी ना पता था कि मैं पैर मारूंगी तो ये सिटकिनी खुल जाएगी और मैं बाहर चली जाऊंगी, उसको तो ये था कि मैं तो भूखी हूँ। अब भूख में उसको बस वो अब अपना हाथ पैर मार रही, मतलब क्या कर रही है, वो प्रयास कर रही है, क्या करी, प्रयास कर रही है। जब वो प्रयास कर रही है यानी कि ट्राई करी, ट्रायल्स है, तो बिल्ली को बॉक्स के अंदर रखा गया था, तो बहुत सारे अनियमित व्यवहार वो करने लगी, जैसे कि उछल रही थी, कूद रही थी, नोच रही थी, खसोट रही थी आदि, ये वो कर रही थी। क्यों? क्योंकि ये प्रयास कर रही थी वो, और इसी उछल कूद में अचानक से उसका पंजा कहाँ पे चला गया, उस सिटकिनी पे चला गया, अचानक से उसका पंजा इस सिटकिनी पर चला जाता है, ठीक है, और जिसके दबने से दरवाजा खुल गया और बिल्ली बाहर निकल करके भोजन बिल्ली ने कर लिया। यहाँ से ये पता चलता है कि बाद के प्रयासों में बिल्ली द्वारा किए जाने वाले अनियमित व्यवहार अपने आप कम होते गए तथा बिल्ली सही अनुक्रिया यानी कि सिटकिनी दबाकर दरवाजा खोलने की अनुक्रिया को बॉक्स में रखने के तुरंत बाद करते
पाई गई थी। इसका क्या मतलब हुआ, पहले वो क्या की, पहले तो ट्राई कर रही है, वो उछल रही है, कूद रही है, नोच रही, खसोट रही है बिल्ली, लेकिन अब उसको पता अच्छा यहाँ पे पैर मारी थी तो ये खुला था, यानी कि ट्राई तो की ना, अब वापस जाएगी फिर से ट्राई करेगी, अच्छा यहाँ पे पैर मारूंगी तो खुलेगा क्या, यहाँ पे पैर मारूंगी तो खुलेगा क्या, यानी कि आप देखो उसके प्रयास रहे, उसके प्रयास से अनुक्रिया क्या हो करके आई, रिजल्ट क्या निकल के आया कि सिटकिनी खुल गई, सिटकिनी खुल गई, यानी कि उसने ट्रायल एंड एरर, ट्रायल, मैं पहले गलती ये कर रही थी, मैं बेफालतू का उछल रही थी, कूद रही थी, लेकिन यदि मैं पैर मार देती तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्रयास, यानी कि उसने प्रयास किया, प्रयास के माध्यम से उसकी जो अनुक्रिया स्टिमुलस क्या था, वो भोजन था, उद्दीपक यहाँ पे क्या था, वो भोजन था, वो भूखी थी, भोजन उसके लिए क्या था, उद्दीपक था। कहा जाता है बहुत सारी बुक्स में लिखे, ये भोजन आखिर क्या था, वो बाहर में मछली रखी हुई थी, बाहर में क्या रखा हुआ था, मछली, अब बस उसको तो खुशबू आ रही थी उसकी, बस मुझे खाना है खाना है खाना है, वो उसके लिए उद्दीपक का काम कर रहा था, वो उसके लिए उद्दीपक का काम कर रहा था, ठीक है, बिल्कुल ये बात क्लियर हुई। तो इसके बीच में एक संबंध, ट्रायल एंड एरर के चलते एक संबंध स्थापित हो गया, और वही संबंध को क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं संबंध, और इसी सिद्धांत को क्या बोलेंगे, संबंधवाद या फिर कनेक्शनिज्म, क्योंकि कनेक्शन बैठा ना, वो जान गई अच्छा यहाँ पे पैर मारने से ये चीज होता है, ठीक, बिल्कुल समझ में आ गई ये बात। और थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत में तीन महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, और वो तीन महत्वपूर्ण नियम क्या है, जो कि अक्सर हमारे एग्जाम में ये पूछा जाता है, आप यदि क्वेश्चन पेपर उठा कर देखेंगे तो ये पूछा जाता है, ठीक है, कि थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के कौन से महत्वपूर्ण नियम बताए, और ये नियम बताए, ये प्राइमरी नियम माने जाते हैं, यानी कि प्राइमरी लॉज माने जाते, प्राथमिक नियम माने जाते। देखो याद कर लो, ये तीन नियम को याद कर लेना, कौन कौन सा नियम है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, ये है प्राथमिक नियम, प्राइमरी लॉज कहे जाते हैं। इसके अलावा यदि एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, यदि कुछ भी दिया गया अलग से कोई सा नियम दिया गया और बोला जाएगा कि प्राथमिक नियम कौन से, तो प्राथमिक तो आपने याद रखा है, बाकी जितने भी नियम अब एग्जाम में आपके आएंगे ना, तो ये मान करके चलना कि वो सेकेंडरी नियम है, क्या है वो, सेकेंडरी लॉज है। प्राइमरी लॉज केवल तीन ही होते हैं, तीन कौन से, अभ्यास, तत्परता, प्रभाव, अभ्यास, तत्परता, प्रभाव, दो तीन बार साथ में बोलो याद हो जाएगा, अभ्यास, अभ्यास, तत्परता, प्रभाव, एक्सरसाइज, रेडीनेस, इफेक्ट, ठीक, एक्सरसाइज, रेडीनेस, इफेक्ट, ये तीन ही नियम होते हैं जो कि प्राथमिक होते हैं, प्राइमरी होते हैं, अदरवाइज इसके अलावा जितने भी नियम यदि एग्जाम में दे दिया गया एग्जामिनर के द्वारा, तो ये मान करके चलना कि ये प्राथमिक नहीं है, यानी कि जो बचा हुआ जितना भी होगा वो सब सेकेंडरी लॉज ही कहलाएंगे, ठीक, बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि आखिरकार ये नियम है क्या, लॉ ऑफ एक्सरसाइज होता क्या, जो कि थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत इन नियमों को बताया है। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज की यदि हम बात करेंगे, अभ्यास का नियम क्या होता है, तो इस नियम इस तथ्य पर आधारित है कि अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आती है, अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आती, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब हम मान करके चलते हैं कि आपने ये सब पढ़ा है, आपने एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ा है, आपने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन आखिर आप आ रहे हो, आप सुन रहे हो, वीडियो अटेंड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, क्यों, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा होगा, हो सकता है आप भूल गए, हो सकता है कि आप भूल गए कि हाँ हमने पढ़ा था, हम भूल गए, यानी कि आप प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि हमारे प्रयास ही हमें क्या करते हैं, हमारे अभ्यास एवं हमारे जो हमारे अभ्यास होते हैं वो हमें क्या ला देते, पूर्णता ला देते हैं, पूर्णता लाते हैं, ठीक है। तो ये है, और हिलगर्ट तथा बॉयर ने इस नियम को परिभाषित किया है, किस रूप में हिलगर्ट और बॉयर ने इसको परिभाषित किया, आइए देख लेते हैं एक बार, कि अभ्यास नियम यह बतलाता है कि अभ्यास करने से उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है, होता है कि नहीं, अभ्यास करत करत अभ्यास के, आपने सुना होगा, तो ये वही है, तो अभ्यास करते जाना है, जब अभ्यास करते जाएंगे तो क्या होगा, उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध और मजबूत होता है, तो उपयोग का नियम जिसको हम बोलते, तथा अभ्यास रोक देने से संबंध कमजोर पड़ जाता है या विस्मरण हो जाता है, यानी कि हम मान करके चलते हैं कि हमने पढ़ रखा था, हमने पढ़ा था, लेकिन अभी हमारे वो प्रैक्टिस में नहीं है,
कुछ चीज वो हमारी प्रैक्टिस में नहीं, यानी कि हम मान करके चलते हैं कि हमने स्कूल डेज में हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब कुछ पढ़ा है, ठीक है, यानी कि हम मान करके चलते हैं कि सभी ने पढ़ा है, 10th तक तो सभी ने सोशल को पढ़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ा तो है हमने, प्रैक्टिस में नहीं है हमारे, तो हम भूल गए मैथ्स। मैथ्स बैकग्राउंड के यदि आप हो तो आगे पढ़ो, लेकिन नहीं हो तो 10th तक तो सभी ने पढ़ा है मैथ्स, अब हमारे प्रैक्टिस में नहीं है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें तो कुछ आता भी नहीं है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो कोई चीज़ यदि हमारी प्रैक्टिस में नहीं रहती तो वो क्या होता है कि उसको हम ऐसा लगता है कि हम उस पे कमज़ोर हैं, या फिर वो हम भूल गए, वो विस्मरण हो गई है हमें, ठीक है। और यदि आप किसी चीज़ का डेली 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 प्रैक्टिस करो, जैसे कि हिंदी, हिंदी हम हिंदी भाषा का रोज प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी हमें अच्छी तरीके से आती, इंग्लिश भाषा का हम प्रयोग नहीं करते उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करने के, नहीं तो ऐसा लगता है अरे यार क्या बोले, दिमाग में सोचना पड़ता है कि इसको क्या बोला जाएगा, समझ में आ रहा है क्यों क्यों ऐसा हुआ, पढ़े तो हैं, ऐसा थोड़ी ना कि इंग्लिश हमने पढ़ा नहीं है, आखिरकार हम सभी हमने जो है क्या बोलते स्कूल अपना पूरी स्कूलिंग अपने की, हमने हमने कॉलेज किया हुआ है, हमने किया, पढ़े तो है इंग्लिश, बट वो प्रैक्टिस में नहीं है, तो ऐसा लगता है अरे यार कुछ आता ही नहीं हमें, आता ही नहीं हमें। तो बस वही है कि हिलगर्ड और बॉयर ने क्या कहा है, हिलगर्ड और बॉयर ने यहाँ पे ये बताया है कि उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध और मजबूत कैसे होगा, अभ्यास से होगा, यानी कि एक्सरसाइज से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और आगे इन्होंने और इसको स्पष्ट रूप से ये बताया है कि जब हम किसी पाठ या विषय को बार बार दोहराते हैं तो उसे सीख जाते हैं, और इसे थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम कहा है। क्या कहा है? उपयोग का नियम कहा है, क्यों? क्योंकि हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं, हम किसी चीज को, आप ये बताइए, बार बार दोहराएंगे किसको, जो हमारी यूज की है, जो हमारे यूज की है, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा, ये ना उपयोग का नियम है। दूसरी तरफ जब हम किसी पाठ या विषय को दोहराना बंद कर देते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं, और उन्होंने और इन्होंने इसको क्या कहा है, अनुपयोग का नियम कहा है, यानी कि लॉ ऑफ डिसयूज कहा है, लॉ ऑफ डिसयूज का, यानी ये तो हमारे काम का नहीं, या फिर हम मान करके चलते हमने ना 11वीं में मैथ्स ले लिया, 11वीं में जैसे ही हमने मैथ्स लिया सोशल से हमारा संबंध टूट गया, यानी कि सोशल से जब हमारा संबंध टूट गया, यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब जो पॉलिटिक जितने सब्जेक्ट से हमारा संबंध टूट गया, यानी कि हम वो क्या हो गया, वो हमारे लिए अनुपयोग हो गया, अनुपयोगी हो गया, अब हमारे लिए उपयोगी क्या हो गया, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ये हो गया हमारे लिए उपयोगी, तो हम अब किसका अभ्यास कर रहे हैं, हम मैथ्स का अभ्यास कर रहे हैं, तो वो हमारी उस पर अच्छी पकड़ बन गई, यानी कि वो हमारे लिए उपयोगी। इसी चीज को थॉर्नडाइक ने एक नियम का नाम दे दिया, क्या नियम कहा, उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम। ये आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल एकदम याद कर लेना कि एक्सरसाइज के अंतर्गत कौन से नियम आते हैं, अभ्यास के नियम के अंतर्गत कौन सा आते हैं, तो उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम, यानी कि लॉ ऑफ यूज आता है और लॉ ऑफ डिसयूज आता है, याद रहेगा आप लोगों को, बिल्कुल भूलेंगे नहीं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट आज का जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है कि थॉर्नडाइक ने एक गौण नियम माना है, क्या माना है, इस नियम को थॉर्नडाइक ने गौण नियम माना है, और कहा है कि इस नियम द्वारा हमें सिर्फ यह पता चलता है कि सीखने वाले व्यक्ति किन किन परिस्थितियों में संतुष्ट होते हैं या उसमें खीज उत्पन्न होती है। उन्होंने इस तरह निम्नांकित तीन परिस्थितियों का भी वर्णन किया है, देखो लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम मतलब कि इन्होंने उतना ज्यादा वैल्यू नहीं दिया इस नियम को, क्यों वैल्यू नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने केवल और केवल ये बोला कि इस नियम के द्वारा ना हमें केवल ये पता चलता है कि जो सीख रहा है, जो व्यक्ति सीख रहा है, जो व्यक्ति लर्न कर रहा है, वो किन किन परिस्थितियों से संतुष्ट होता है और किन परिस्थितियों से वो खींच जाते हैं, नहीं कि गुस्सा खी एनॉय हो जाता है, एनॉयंस आ जाती है उसमें, तो इसीलिए इन्होंने तीन परिस्थितियों को के बारे में यहाँ कहा है। क्या बताया है? कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है तो उसे वह कार्य करने दिया जाता है तो उसमें संतोष आता है, संतोष होता है, यानी आपको कोई कार्य करना पसंद है तो आप उसको कर रहे हो तो आप संतुष्ट हो रहे हो, तो आप संतुष्ट हो रहे हो, वही काम हमें मिला है तो ठीक है, बढ़िया, हमें अच्छा अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है परंतु उसे वह कार्य नहीं करने दिया जाता तो उसमें खीज एनॉयंस होती है, एनॉयंस होती है,
ठीक है, फिर जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं रहता परंतु उसे वह कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है तो इससे भी व्यक्ति में खीज एनोयंस होती है। तो इन्होंने क्या बताया, संतुष्ट व्यक्ति कब होता है और खीजता व्यक्ति कब है। संतुष्ट के लिए इन्होंने बताया कि मन भी था हमारा और करने भी दिया गया, यहाँ पे मन तो है हमारा लेकिन करने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे मन ही नहीं है हमारा और जबरदस्ती बोल रहे हैं करो तो भी, तो ये वाली कंडीशन केवल हमें संतुष्ट करती है और बाकी ये जो दोनों कंडीशन होती है वो हमें एनोयंस खीज उत्पन्न कर देती है। बस इतना ही चीज यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यहाँ से हम ये बोल सकते हैं संतोष या खीज होना व्यक्ति के तत्परता रेडीनेस की अवस्था पर निर्भर। क्या आप तैयार हो किसी कार्य को करने के लिए, क्या आप तैयार हो? तैयार हो तो ठीक है, तो करने दिया जाए तो आप बिल्कुल बिल्कुल हैप्पी हैप्पी सी फीलिंग आएगी, संतुष्ट हो जाओगे। नहीं करने दिया जा रहा है, मन है करने नहीं दिया जा रहा, गुस्सा हो जाओगे, खींच जाओगे। यदि मन ही नहीं है, जबरदस्ती बोल रहे हैं करो करो, पढ़ने का मन नहीं, जबरदस्ती बोला जा रहा है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या, बस इन्होंने इतना बताया। फिर उसके बाद में आता है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत का यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या बोलता है, इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को प्रभाव नियम सिद्धांत कहा है। प्रभाव नियम सिद्धांत मतलब लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी कह दिया है बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, प्रभाव नियम सिद्धांत। ऐसे भी याद करना कि प्रभाव नियम सिद्धांत क्या है, तो वही सेम चीज लॉ ऑफ इफेक्ट ही क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी कहलाता है, ठीक है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है कि उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है उसके आधार पर सीखेगा। किसी कार्य या अनुक्रिया का प्रभाव व्यक्ति में या तो संतोषजनक होता है या खीज उत्पन्न करता है। किसी कार्य या अनुक्रिया का प्रभाव व्यक्ति में संतोषजनक या खीज उत्पन्न करेगा। प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीख लेता है तथा खीज उत्पन्न होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को दोहराना नहीं चाहता, फलतः वह उसे भूल जाता है। लेट से हम मान करके चल रहे हैं कि हमने अपना एक अटेम्प्ट दिया, ठीक है, हमने जब अपना एक अटेम्प्ट दिया, पीएससी में जब हमने सीजीपीएससी में अपना एक अटेम्प्ट दिया तो हमने ये जाना कि हमने इतनी मेहनत की, फिर उसके बाद रिजल्ट ना के बराबर है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अरे यार ये तो पीएससी हमारे बस का नहीं, छोड़ो हटाओ और कुछ देखेंगे अपन, ठीक। अब हमें यानी कि ये हमने खीज उत्पन्न कर दिया, अब हमने पीएससी का अटेम्प्ट दिया, हमारा प्री निकल गया, अरे प्री निकल गया, हमने ना पढ़ा, हमारा प्री निकल गया, और मेहनत करूंगा ना, भले ही अभी मेरा प्री निकला है और मेंस नहीं निकला है, लेकिन और मेहनत करूंगा ना तो ऐसा होगा प्री मेंस मेरा दोनों निकल जाएगा। तो ये हमें संतोष पैदा कर रहा है, ये हमें संतोष पैदा कर, सेटिस्फाइड कंडीशन दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रभाव का बहुत असर, यहाँ पे प्रभाव कुछ नहीं, मेहनत किया हमने, प्रभाव कुछ नहीं आया, रिजल्ट कुछ नहीं आया, उसका इफेक्ट कुछ नहीं, खीज उत्पन्न कर दिया। यहाँ पे एटलीस्ट प्री निकला, भले ही मीन्स नहीं निकला, फिर हमें ये तो हुआ नहीं, मेहनत करेंगे तो प्री मीन्स दोनों निकल जाएगा हमारा, तो ये संतोष प्रभाव। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक ने कहा कि कोई भी अनुक्रिया को सीखने में किसका, यानी कि वो आपका संतोषजनक है या फिर वो खीज है, तो उसके लिए यदि वो संतोषजनक है तो उसको आप और सीखोगे, यदि वो अनुक्रिया को दोहराना हम कब नहीं चाहेंगे, जब वो खीज उत्पन्न कर देता है और ऐसे इसके परिणाम स्वरूप हम उसको भूल जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज स्पष्ट है कि प्रभाव नियम के अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया को इसलिए सीख लेता है क्योंकि व्यक्ति में उस अनुक्रिया को करने के बाद संतोषजनक प्रभाव पड़ता है, यानी कि सेटिस्फाइंग इफेक्ट जब आता है तभी हम उसको सीखते हैं, सेटिस्फाइंग इफेक्ट नहीं आएगा तो हम उसको नहीं सीखेंगे। इसके अलावा इन प्रमुख नियमों के अलावा थॉर्नडाइक ने सहायक नियम सबॉर्डिनेट लॉस का भी प्रतिपादन किया, परंतु ये सभी नियम बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो पाए क्योंकि वे स्पष्ट रूप से प्रमुख नियमों से ही संबंधित है। संक्षेप में यदि हम इन सहायक नियमों को देखें तो वो क्या है, जैसे कि बहुक्रिया, आपको मैंने क्या बताया, आपको केवल और केवल वो तीन नियम याद करने हैं, तीन नियम के अलावा जितने भी नियम आएंगे वो सभी के सभी सेकेंडरी लॉज होते हैं, जहाँ से बस ये पूछा जाता है कि यहाँ पे प्राथमिक नियम कौन से हैं, तो वो प्राथमिक केवल तीन है, बाकी जितने सब सब क्या है, गौण है या फिर हम बोल सकते हैं सहायक नियम है, सेकेंडरीज हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं।
फिर यहाँ पे बहुक्रिया, बहुक्रिया मल्टीपल रेस्पॉन्स। तो इस नियम के अनुसार किसी भी सीखने की परिस्थिति में प्राणी अनेक अनुक्रिया करता है, यानी कि बहुत बार रेस्पॉन्स अपना देते हैं, जिसमें से प्राणी उन अनुक्रिया को सीख लेता है जिससे उसे सफलता मिलती है। बहुक्रिया मल्टीपल रेस्पॉन्स, जैसे कि वो बिल्ली इतने बार कूद रही थी, उछल रही थी, लेकिन अचानक से वो मारती है, थाप मारती है अपना उस पर, कुंडी पे मारती है, सिटकिनी पे मारती है और तुरंत खुल जाती है। नहीं, मल्टीपल रिस्पॉन्स है ना, बहुक्रिया हुई है और उसे वो सीख गई। ठीक है, फिर क्या है, तत्परता या मनोवृत्ति, सेट और एटीट्यूड। ये क्या है, तत्परता या मनोवृत्ति से इस बात का निर्धारण होता है कि प्राणी किस अनुक्रिया को करेगा और किस अनुक्रिया को करने से कम संतुष्टि तथा किस अनुक्रिया को करने से अधिक संतुष्टि मिलती है उसे, कि क्या करें तो संतुष्ट हो जाए और क्या ना करें क्योंकि हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहा है ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी मनोवृत्ति क्या है, आपके किसी कार्य को करने के लिए आपकी तत्परता कैसी है, तो यहाँ पे ये चीज बताया गया। फिर क्या है, सादृश्य अनुक्रिया, यानी कि रेस्पॉन्स बाय सिमिलैरिटी और एनालॉजी, यानी कि इस नियम के अनुसार प्राणी किसी नई परिस्थिति में वैसी ही अनुक्रिया को करता है जो उसके गत अनुभव या पहले सीखी गई अनुक्रिया के सदृश है। यानी कि हम क्या करेंगे कि अच्छा ये वाली कंडीशन है, हमको ना ऐसा चीज, जैसे कि लेट्स से हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैथ्स की बात करेंगे, हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, अच्छा जैसे कि प्रॉफिट लॉस को हमने सॉल्व किया, लाभ हानि, ठीक है, एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर लगभग लगभग जो चीज़ वहाँ पे दी गई थी वहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया गया था, हम यानी कि लाभ का प्रतिशत दे दिया गया था वहाँ पे, फिर उसके बाद में हमसे हानि पूछी गई। इस तरीके से जब हम प्रश्न बनाते लगभग लगभग ये भी तो वैसे ही है, यानी कि हम उसे रिलेट करके पढ़ रहे हैं, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्या सीखा, वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या, सादृश्य अनुक्रिया, यानी कि रेस्पॉन्स बाय सिमिलैरिटी और एनालॉजी। ठीक है, फिर साहचर्यात्मक स्थानांतरण, यानी कि एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये क्या, इस नियम के अनुसार कोई अनुक्रिया जिसके करने की क्षमता व्यक्ति में है, एक नई उद्दीपक स्टिमुलस भी उत्पन्न हो सकते भी उत्पन्न हो सकती है यदि एक ही अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में कुछ परिवर्तन के बीच उत्पन्न किया जाता है तो अंत में वही अनुक्रिया एक बिल्कुल ही नए उद्दीपक से भी उत्पन्न हो जाती है। यानी कि आप किसी चीज को ना एसोसिएटिव शिफ्टिंग, इसमें क्या बताया गया कि हम किसी चीज को बार 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 कर रहे हैं तो हम उसको करने में क्या होता है कि वहां से एक नई चीज, जैसे लेट्स से हम मान करके चलते हैं कि हम भोजन बना रहे हैं, ठीक है, हम कुछ चीज हम बना रहे हैं, हम भोजन बना रहे हैं, हम डेली वही बना रहे हैं, लेकिन हम कुछ चीज सेम चीज है, वही चावल है, वही दाल है, वही आटा है, लेकिन किसी दिन पराठा बन गया, किसी दिन रोटी बन गई, किसी दिन पूड़ी बन गई, किसी दिन आलू का पराठा बन गया, समझ रहे हो। तो ये क्या, एसोसिएटिव शिफ्टिंग है, यानी कि आप कर वही रहे हो, उद्दीपक वही है, यानी कि परिस्थिति लगातार वही एक ही परिस्थिति है, कुछ परिवर्तन के बीच कुछ एक अलग सा उत्पन्न हो जाता है कि नहीं, किसी दिन आपने उसमें आलू डाल दिया, आलू का पराठा बन गया, वो मेथी डाल दी तो मेथी का पराठा बन गया, समझ रहे हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आपको समझ में आ रहा है ये क्या नियम है। हालांकि ये नियम थॉर्नडाइक ने बोला है ये केवल सहायक नियम है, ये सहायक नियम, अब देखो ये क्या, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बार 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 किसी चीज को करोगे तो परफेक्ट हो जाओगे, इसीलिए उन्होंने पहले कह दिया कि ये केवल सहायक नियम है, क्योंकि जो हमने जो पहले जो नियम देखे ना ये उन्हीं के अंतर्गत ही आते हैं, पहले क्लियर कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमने थॉर्नडाइक का देख लिया, अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे, हम इसके बाद में देखेंगे पावलोव का देखेंगे, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है पावलोव का, यहाँ से हम अपने नेक्स्ट सेशन की स्टार्ट करेंगे। तो एक बार इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि अब हम नेक्स्ट सेशन में क्या देखेंगे, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या फिर प्राचीन या पैवलियन अनुबंधन, क्लासिकल और पैवलोनियन कंडीशनिंग हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगी, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस फ्री क्लास का लाभ ले सके और अपनी प्रिपरेशन को कर सके और अपने जीवन में वो सफल हो सके। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करूंगी, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन, जय हिंद जय भारत।